जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्री कृष्ण भगवान की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज हम आपको बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं बड़ी ज़्यादा विशेष जानकारी है आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को तो आप पूरा देखिए एक एक बात को आप ध्यान से सुने तभी आपको सच्चाई का पूरा वास्तविकता में पता चल पाएगा तो कुछ लोग इस बारे में कई बार प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का राधा रानी से भी वहाँ इस धरती पर हुआ था या नहीं हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण जी और राधा राधा रानी ने इस धरती पर ब्रज भूमि में अवतार लिया था उस समय भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह श्री राधा रानी जी के साथ हुआ था या नहीं हुआ था कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह राधा रानी से नहीं हुआ था और कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह राधा रानी से हुआ था तो आज की इस वीडियो में हम आपको सच्चाई बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह राधा रानी से हुआ था या नहीं हुआ था सारी सच्चाई आपको बताई जाएगी आपको ये भी बताया जाएगा कि किस धर्म ग्रंथ में से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं तो अगर आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी के भक्त हैं, तो इस वीडियो की एक एक बात को आप ध्यान से सुने क्योंकि लोगों के मन में जो शंकाएं होती हैं, उन शंकाओं का समाधान होना आवश्यक है तो आप सब भगवान श्री राधा कृष्ण जी के परम भक्तों के लिए हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने और राधा रानी ने इस भारत की भूमि में ब्रज भूमि में अवतार लिया था उस समय भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह राधा रानी से हुआ था हुआ था और हुआ था जी हाँ बिल्कुल सत्य बात है श्री गर्ग संहिता में ये कथा विस्तार से आती है श्री गर्ग संहिता जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के कुल गुरु महर्षि गर्गाचार्य जी के द्वारा लिखी गई है उस ग्रंथ में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की बहुत सुंदर-सुंदर लीलाओं का वर्णन आता है तो उसी ग्रंथ में भगवान श्री राधा कृष्ण जी के विवाह की भी बड़ी सुंदर कथा है वो कथा तो हम आपको बाद में सुनाएंगे लेकिन इस वीडियो में हम आपको स्पष्ट जानकारी देने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह राधा रानी से हुआ था और ये विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था जिन लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं उनको हम स्पष्ट बता दें कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राधा कृष्ण जी का विवाह करवाया था पूरी विधि से हुआ था सात फेरे कृष्ण जी ने राधा रानी के संग लिए थे और वन में राधा कृष्ण जी का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था सारी कथा गर्ग संहिता में आती है तो आज के बाद आप अपने मन में कोई शंका मत कीजिए कोई आपसे इस बारे में बात करे तो आप सीधा कह दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह राधा रानी से हुआ था और श्री गर्ग संहिता में ये कथा आती है जिसको देखना हो वो श्री गर्ग संहिता ग्रंथ बाजार से लाकर उस ग्रंथ में वो कथा देख सकता है सच्चाई को जान सकता है अपने चैनल पर हम जल्दी ही श्री राधा कृष्ण विवाह की बड़ी सुंदर कथा सुनाएंगे उसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई श्री राधा कृष्ण जी की विवाह कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके ऊपर श्री राधा कृष्ण भगवान जी की मिल जाता है। और जिसको भगवान जी का प्रेम मिल जाए उसको संसार में किसी और चीज की आवश्यकता रहती ही नहीं है भगवान अपने भक्तों को सभी तरह के सांसारिक सुख प्रदान करते हैं और अपना प्रेम भी दे देते हैं तो यहीं पर आज की इस कथा का हम विश्राम करते हैं फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो तो हमारा मोबाइल नंबर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कभी भी आप फोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्री कृष्ण भगवान की जय श्री गर्ग संहिता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम